अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? तबीयत सेट है? चले जी। अच्छा, हम एक काम ये कर लेते हैं, जो की चेंजेस है ना हमारे पास एज ए 315 में, चले हमारे पास जो की चेंजेस है ना एज ए 315 में, प्यारे बच्चों, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जीक्यूटिव समरी वैसे तो पार्टनर्स के लिए बनाई है, लेकिन आप लोग की माशाल्लाह पार्टनर से कम नहीं है, तो एक की एग्जीक्यूटिव समरी हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो की चेंजेस है इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। डन हो गया? ये तीन काम कर ले। चले जी, सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज, आज 315 रिवाइज जो है वो इफेक्टिव है दिसंबर 15 2021 के बाद से। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर 31 2021 के बाद ऑडिट कर रहे हैं, लेट्स से अगर उसका ईयर एंड दिसंबर 31 2021 है, तो इसके ऊपर आज 315 रिवाइज होगा। तो रिसेंटली जो मेरा और आपका सीजन गुजरा है दिसंबर 21 का, उसमें ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, एक नई चीज आई है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। सही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। सबसे पहली चीज हमारे पास आई है इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। सही है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है इनहेरेंट रिस्क फैक्टर का। अच्छा, अगर आपने रिस्क की क्लासेस ली हुई है तो आपको याद होगा कि हम एक चीज लिखते थे जिसका नाम था रिस्क फैक्टर्स। कुछ याद है? हम अपनी ड्राफ्टिंग में रिस्क फैक्टर्स लिखते थे। ठीक हो गया, कि हम ये कहते थे कि यार रिस्क फैक्टर। सही है, उसने एक नाम दे दिया इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये पुराने आयजा में नहीं था। सही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको याद है जब हम 315 क्लासेस लेते तो हम कहते थे हमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हमें एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और एनवायरमेंट में हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी। कुछ याद आ रहा है आपको? इसकी आईजा 315 रिवाइज में एक सेपरेट हेडिंग हो गई है। सही है, इसका मतलब नाम ही हो गया अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एनवायरमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड इंटरनल कंट्रोल। क्या यहां पर बात समझ आती है भाई? ये हो गया, तो ये एक नई हेडिंग आ गई है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्यों आई, आगे डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आ गया है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, और ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। आप लोग ऑडिट फर्म में अब तक कौन सा वर्ड यूज करते आ रहे हैं? आप लोग ऑडिट फर्म में यूज करते आ रहे हैं मटीरियल अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। ऐसा ही है, हम लोग तो अब तक हमेशा ये कहते ना कि भाई क्या ये अकाउंट बैलेंस मटीरियल है कि नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया रेलिवेंट एजर्शन, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद उससे ज्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट ये आ गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही, आईएस रिप्रेजेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। ये जो आपने सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर आइडेंटिफाई कर है, इसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और ये आपके लिए मैंडेटरी है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैंडेटरी है। सही है, अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ अ मिसस्टेटमेंट अकरिंग दैट इज इट्स लाइक्लीहुड एंड बीइंग मटेरियल इफ इट वर टू अकर दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। आपने अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें कंसिडर करनी है, पहला लाइक्लीहुड कि कितने चांसेस है, और अगर हो गया तो किस हद तक मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। ये दो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करने और रिस्क को असेस भी करने। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया है असेसमेंट ऑफ रिस्क का। सही है, और यहां पे हमारे पास है हायर रिस्क और सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, और एक और रिस्क है इसके अंदर लोअर रिस्क। तो या तो रिस्क आपका हायर होगा या लोअर होगा या सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये स्पेक्ट्रम के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। स्पेक्ट्रम क्या होगा इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास है एफएस लेवल एजेशन के रिस्क। याद हम क्लास में पढ़ते थे हम रिस्क को एफएस लेवल पे भी आइडेंटिफाई करते हैं और एजेशन लेवल पे भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस अब एक रिक्वायरमेंट ये है कि यार ये जो एफएस लेवल का रिस्क है इसको आपने देखना है कि इससे एजेशन लेवल पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज एफएस लेवल का रिस्क पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है। अगर तो एफएस लेवल का रिस्क पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है तो इसकी वजह से आपका एजेशन लेवल पे क्या रिस्क हो सकता है, आपने ये कंसिडर करना है। एक बहुत ही खतरनाक रिक्वायरमेंट सेपरेट असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। सही है, सेपरेट असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, कि आपने कंट्रोल रिस्क की अब एक सेपरेट असेसमेंट करनी है। अब तक कभी भी हम पिछली आईजे 315 के हिसाब से कंट्रोल रिस्क को सेपरेट असेस करना वाज नॉट दी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। लिखा हुआ था मे के वर्ड के साथ, लिखा हुआ था शेल के वर्ड के साथ, नहीं लिखा हुआ था। नाउ इट इज मैंडेटरी इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस टू सेपरेटली असेस दी कंट्रोल रिस्क। सही है, और आखिरी चीज अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स।
तो अगर आपसे कोई भी पूछे, इंशाल्लाह भी आप आर्टिकलशिप के एंड में होंगे लेट से, या फिर स्विच कर रहे होंगे, या फिर इंशाल्लाह बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो कोई भी आपसे पूछेगा की चेंजेस क्या है प्यारे बच्चों, ये की चेंजेस है। डन हो गया। बच्चों आप सबको आवाज आ रही है? कुछ दो तीन पार्टिसिपेंट्स बार बार मैसेज कर रहे हैं नो वॉइस। आप लोगों को आवाज आ रही है? बाकियों को आवाज आ रही है तो एटलीस्ट वो रिप्लाई कर दें यार प्लीज। आवाज बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों। बस ठीक है जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बेहतरीन। चले जबरदस्त, ये समझ आता है, ये समझ आता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास की चेंजेस है, ये डन हो गया। ये एग्जेक्टिव समरी, आप एग्जेक्टिव है माशाल्लाह, सही है, तो ये आपके लिए एग्जेक्टिव समरी बना दी जिसके बेसिस पे ये की चेंजेस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने हल करके क्या करना है, इन की चेंजेस को डिस्कस करना है, तो हम प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम मूव कर लेंगे, थोड़ा सा डिटेल फ्लो चार्ट बना लेंगे। अच्छा, आईएसओ 315 की एप्लीकेबिलिटी दिसंबर 21 2021 के बाद अगर आप जितने भी ऑडिट करेंगे, मतलब अगर कोई कंपनी जिसका बैलेंस शीट ईयर एंड दिसंबर 31 2021 है, तो उसके ऊपर आईएसओ 315 रिवाइज्ड हो जाएगा, सही है, उसके ऊपर आईएसओ 315 रिवाइज्ड हो जाएगा। ICAP ने भी उसको एडॉप्ट कर लिया है और 315 रिवाइज जो है वो इफेक्टिव तो है हमारे पास। इसका मतलब है मैंने और आपने जितने भी लास्ट ऑडिट करे थे उस सब में ये चीज हमारे पास एप्लीकेबल थी, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक नया कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। एक नया कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। ये पुराने आइजा में नहीं था, ये नए आइजा में एक नया कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड एक्सप्लेन इन प्रीवियस आइजा 315, स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं था, हाँ लेकिन रिस्क फैक्टर्स बताए गए थे, लेकिन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर के नाम से नहीं थे, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर के नाम से नहीं थे, सही है। तो एक हमारे पास सबसे बड़ा चेंज ये आ गया कि ये इनहेरेंट रिस्क फैक्टर क्या, सही है। Inherent risk factor characteristic of the events or condition that affects the susceptibility to the misstatement, whether due to fraud or error of an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure before consideration of controls. Such factors may be qualitative or quantitative and include the complexity, subjectivity, change, uncertainty or susceptibility to the misstatement due to management bias or other fraud risk factor in so far as they affects the inherent risk. Appendix 2 में आपको further consideration बता दी गई है regarding the understanding of inherent risk factor. ये एक बहुत बड़ा concept है प्यारे बच्चों। अब आपके पास एक concept आ गया है inherent risk factor का। It means if you are identifying any risk, अगर आप कहते हैं कि PPE की impairment पे risk है, तो देयर मस्ट बी अ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, देयर मस्ट बी एन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। विदाउट द इनहेरेंट रिस्क फैक्टर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क ऑन द पीपी इंपेयरमेंट। क्या ये बात समझ आती है? तो मैं और आप जो नॉर्मली ऑडिट करते हैं, तो हम कैश एंड बैंक पे ऐसे रिस्क खोल के बैठ जाते हैं, हम इन्वेंट्री पे ऐसे रिस्क खोल के बैठ जाते हैं, हम पीपी पे ऐसे रिस्क खोल के बैठ जाते हैं। ऐसा आपसे कहता है, अगेंस्ट एवरी रिस्क देयर मस्ट बी अ रिस्क फैक्टर एंड दैट रिस्क फैक्टर इज द इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? तो अगेंस्ट, अच्छा हम तो ऑडिट ड्राफ्ट ऐसे करते थे, सही है, मैं और आप तो ऑडिट ड्राफ्ट ऐसे करते थे कि हम कहते थे अगेंस्ट एवरी रिस्क देयर मस्ट बी अ रिस्क फैक्टर। हम वर्ड यूज करते थे रिस्क फैक्टर का, वो नाम है अब इनहेरेंट रिस्क फैक्टर का, ठीक है। बिकॉज मैं इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करता था, मैं कभी भी सवाल में कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करता था। दीपक उसमें भी आता हूं ना बेटा, उसमें भी आता हूं, सब पूरी चीज पे आता हूं, बेफिक्र, सही है। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर है, ये जो इंट्रोडक्शन, अच्छा ये जो डायग्राम है ना, ये बड़ी जबरदस्त डायग्राम है, ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये आपको आइजा की गाइड्स में भी नहीं मिलेगी, किसी और मटेरियल में भी नहीं मिलेगी, किसी फर्म की गाइड्स में भी नहीं मिलेगी। ये एक एक आइजा 315 पुराना वाला नया वाला दोनों को कंपेयर करके, चीजों करके, उसके रैशनल को और बैकग्राउंड को समझ के ये एक आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर इज द कॉम्प्लेक्सिटी सब्जेक्टिविटी, दीपक जी आपके लिए बेटा, तो जो आप सवाल पूछेंगे वो अगली प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी मौजूद है। अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट बायसनेस, सही है, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी और मैनेजमेंट बायस, सही है। इसमें मसला क्या है, इसमें सीन ये प्यारे बच्चों,
कि अगर आप इन अगर ये इनमें से कोई फैक्टर मौजूद है, अगर इनमें से कोई फैक्टर मौजूद है ओनली देन देयर विल बी एन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, और अगर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मौजूद है तो फिर क्या होगा जल्दी से बता दें। अगर मैं पीपी का ऑडिट कर रहा हूं और पीपी का ऑडिट में इनमें से कोई एक या दो या तीन मौजूद है तो उससे क्या होगा, नहीं नहीं जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, उससे आप एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बेसिस पे आप एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे। बच्चों समझ आती है बात यहां पे, अगर कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मौजूद होगा तो उसके बेसिस पे आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जब आपने जब भी आप अच्छा ये इनहेरेंट रिस्क फैक्टर कैसे मिलेंगे इसके ऊपर भी मैं आता हूं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया इनहेरेंट रिस्क फैक्टर का, ठीक है। इन सबकी मैं इंडिविजुअल आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स दूंगा, इन सबके मैं आगे जाके आपको इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। इवेंट्स और कंडीशन ये भी आयजा में बताए गए, सही है, ये भी हमें अपेंडिक्स में बताए गए, और जब अपेंडिक्स में हमें ये बताया गया है तो अपेंडिक्स में हमें इवेंट्स और कंडीशन भी जो उसने बताए तो कॉम्प्लेक्सिटी की कुछ एग्जांपल्स दे दी है, सब्जेक्टिविटी की कुछ एग्जांपल्स दे दी है, चेंज की कुछ एग्जांपल्स दे दी है, अनसर्टेनिटी की कुछ एग्जांपल्स दे दी है, और मैनेजमेंट बायसनेस की कुछ एग्जांपल्स दे दी है। क्या याद है, बात समझ आती है? तो वो एग्जांपल्स क्या है वो मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। तो इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, इवेंट्स और कंडीशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज सुनिएगा, असेसिंग द इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क असेसिंग। तो यहां पे मैंने जब मेरा इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मौजूद होगा तो प्यारे बच्चों ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, जब मेरे पास इनहेरेंट रिस्क मौजूद होता है तो ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, काशिप उसमें भी आ जाता हूं बेटा, अभी जो समझा रहा हूं पहले वो समझ लो। ऑडिट रिस्क जब मेरे पास इनहेरेंट रिस्क फैक्टर होगा तो क्या ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज तो बात की बात है ना, क्या अच्छा इंक्रीज डिक्रीज बात की बात है, अगर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर होगा तो क्या ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अगर आपको 315 का लेक्चर याद हो, जब रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता था, जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता था प्यारे बच्चों तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता था, असेस। तो अब वो असेसमेंट की बात कर रहा है, अब वो असेस की बात कर रहा है, असेसिंग द इनहेरेंट रिस्क फॉर द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ, और रिस्क आइडेंटिफाई कब होगा, व्हेन देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। और ये इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, ये वाले जो इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं कैसे पता चलेंगे, इसमें थोड़ी देर में आ जाता हूं मैं। फॉर आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल सिस्टम एट द एक्सर्शन लेवल द ऑडिटर शैल असेस इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, द ऑडिटर शैल असेस इनहेरेंट रिस्क बाय असेसिंग द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मिस स्टेटमेंट, likelihood and magnitude of the misstatement, in doing so the auditor shall take into account how and the degree to which inherent risk factors affects the susceptibility of the relevant assertion. ye khatarnak line likhi hui hai, khatarnak line likhi hui, lekin isko samajhne ka matlab ye upar wale naam dikh rahe hain, pehla complexity, dusra subjectivity, teesra change, chautha uncertainty, panchwa management bias, ये पांच के पांच फैक्टर्स आपने इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स में भी कंसीडर करने हैं, यही पांच के पांच फैक्टर्स इवेंट्स और कंडीशन में डिफाइंड है, और इन्हीं पांच फैक्टर्स के बेसिस पे आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इन्हीं पांच फैक्टर्स के बेसिस पे आपने क्या करना है, जल्दी छेती छेती, इन्हीं पांच फैक्टर्स के बेसिस पे क्या करना है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, इन्हीं पांच फैक्टर्स के बेसिस पे आपने असेसमेंट करनी है, इन्हीं पांच। तो इसका मतलब है पूरा आयजा 315 किन पांच चीजों के अराउंड इवॉल्व हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट बायस। अगर तो ये मौजूद है तब क्या होगा, अगर तो ये मौजूद नहीं है तब क्या होगा, सही है। और पूरी आपकी चीज फ्रॉम इनिशिएशन टू रिकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें इसी पांच फैक्टर्स के अराउंड इवॉल्व होगी, आयजा 315 रिवाइज में इतनी कंसिस्टेंसी इंश्योर कर दी गई है। क्या यहां तक बात समझ आती है, मैं डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ और फ्लो चार्ट में बाद में आऊंगा, पहले मैं एक एक कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी समझाऊंगा, लाइक्लीहुड भी समझाऊंगा, माध्यमन साहब बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र है, स्पेक्ट्रम भी समझाऊंगा, पहले आप एग्जेक्टिव लोगे आपके लिए एग्जेक्टिव समरी हो जाए, फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, ये बात को समझ आती है, ये कुछ थोड़ा बहुत समझ आया। अगली चीज कौन सी देखनी है, अगली चीज कौन सी देखनी है, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड रेलिवेंट असर्शन, इस पे आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर फॉर विच देयर इज वन और मोर रेलिवेंट
when there is one or more relevant assertions, सही है, when there is one or more, तो वो कहते हैं हमने कहा भाई significant class of transaction account balance क्या होंगे, वो होंगे जो materiality से ऊपर होंगे, वो होंगे जो materiality से नीचे होंगे, वो होंगे जो qualitative material होंगे, वो होंगे जो quantitative material होंगे, उसने कहा नहीं, significant class of transaction account balance वो होंगे जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा relevant assertion मौजूद होगी। हमने कहा भाई ये relevant assertion तो एक नया concept है, बताएं क्या है relevant assertion? Relevant assertion an assertion about a class of transaction account balance or disclosure is relevant if it has an identified risk of material misstatement. If it has an identified risk of material misstatement, मुझे जल्दी से बता दे identified risk of material misstatement कैसे होगा? Identified risk of material misstatement कैसे? प्यारे बच्चों मैं 100 example दूंगा, अली साहब 100 example दूंगा, मैं 14 साल ये फॉर्म में मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करने वाला मैं हूं, तो आप छोड़े इन चीजों को, आप समझ लें अभी, सही है? When there is a, नहीं inheritance नहीं पूरा बोला है, when there is a identified risk of material misstatement, identified risk of material misstatement, risk identify कब होगा, कैसे होगा? जबरदस्त सैम, जबरदस्त, when there is an inherent risk factor, और जब inherent risk factor होगा तो इससे कोई ना कोई risk identify होगा। अगर किसी अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर में आपको रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, दैट अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन शैल बी कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस का। यहां तक बात समझ आती है? अगर आपके बैलेंस शीट में 100 आइटम्स हैं, आपके पीएनएल में 25 आइटम्स हैं और आपके 25 डिस्क्लोजर हैं, टोटल ये 150 चीजें हैं, 150 में से जितने के ऊपर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करा है वो आपके सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर तसव्वुर किए जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है भाई? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो सर अगर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होगा तो क्या वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा? बिल्कुल भी नहीं, बुलशिट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सही है? क्या है आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो सर ये सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर क्या ये ओल्ड आइजा में कवर्ड था? सर ओल्ड आइजा में सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर का वर्ड नहीं यूज था, बल्कि किसका वर्ड यूज था जल्दी से बता दे, किसका वर्ड यूज था? आपको पता है ना फर्म में ये वर्ड यूज करते हैं एम एपकॉट डी, वैसे तो एपकॉट डी होता है, हम एम एपकॉट डी कब कहते हैं कि मटेरियल अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, एम एपकॉट डी, सही है? तो हम तो फर्म में मटेरियल का वर्ड यूज, नहीं नहीं मटेरियल का वर्ड अब यूज नहीं करना है, अब कौन सा वर्ड यूज करना है? अब सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कब होगा? व्हेन देयर इज आइडेंटिफाइड रिस्क, और आइडेंटिफाइड रिस्क कब होगा? व्हेन देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, और इनहेरेंट रिस्क कैसे फाइंड, और इनहेरेंट रिस्क फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई होगा? व्हेन देयर आर इवेंट्स और कंडीशन, और इवेंट्स और कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई होंगे? दो मिनट आप सबर कर ले, मैं आपको बताता हूं। डन हो गया बच्चों? तो न्यू आइजा में देयर इज अ न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस, और ये सुन ले सुन ले सुन ले, ये बड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस रिव्यू में फाइल सिलेक्ट होगी ना, फाइल उठ जाएगी। अगर आपने अंडरस्टैंड, अगर आपने कोई भी अकाउंट बैलेंस को सिग्निफिकेंट तसव्वुर किया, तसव्वुर क्या किया, अगर किसी अकाउंट बैलेंस में भी आपने रिस्क आइडेंटिफाई करे तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस तसव्वुर किया जाएगा, और अगर वो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस तसव्वुर किया जाएगा तो आपके ऊपर शैल, इट इज मैंडेटरी कि आपने उस अकाउंट बैलेंस या ट्रांजैक्शन की क्या ऑब्टेन करनी है? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें क्या ऑब्टेन करनी है, जल्दी से बता दें क्या ऑब्टेन करनी है, क्या लिखा हुआ है आपके लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना लाजमी है। अभी जब ऑडिट करते हो और ऑडिट की फाइल देखते हो तो ऑडिट की फाइल में तुम्हारे पास रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है, ऑडिट की फाइल में तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है, क्या कैश एंड बैंक की अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है, क्या एक्सपेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है, क्या पेरोल की अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर वो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग तुमने डॉक्यूमेंट करी होती है? तुम डॉक्यूमेंट ही नहीं करते थे, क्यों डॉक्यूमेंट नहीं करते? बिकॉज पुराने 315 में रिक्वायरमेंट नहीं थी, नए आयजा 315 में जो अकाउंट बैलेंस तुम्हारा सिग्निफिकेंट होगा उसके लिए तुम्हारे लिए लाजमी है कि तुमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अंडरस्टैंडिंग है क्या, याद रखेगा, अंडरस्टैंडिंग है क्या, ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होती है, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होती है। वो क्लास याद है जब हम आयजा 402 पढ़ते थे और हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ते थे कि सबसे पहले कस्टमर आता है, वो परचेज ऑर्डर लेके आता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, एग्जैक्टली वॉक थ्रू एग्जैक्टली, वो कस्टमर वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास आता है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स ऑर्डर बनाता है, ऑथराइज कस्टमर से मैच करता है, ऑथराइज कस्टमर इज द कंट्रोलियर, ऑथराइज कंट्रोलर इज द कंट्रोलियर,
तो यासिर अली आपका क्यूसीआर कौन से साल का हुआ था? आपका जो क्यूसीआर हुआ होगा वो पुरानी फाइल का हुआ होगा। तो ये हमारे पास 2022 से एप्लीकेबल होगा ना, आज 315 दिसंबर 31 2022 का ऑडिट में एप्लीकेबल। ऊपर 21 मैंने गलती से लिख दिया होगा, या फिर आपसे कह रहे हैं ऊपर 21 मैंने गलती से लिख दिया होगा, दिसंबर 31 2022 से एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया बच्चों? डन हो गया? अब बकर आता हूं ना बेटा, उसको आता हूं ना मैं, उसको समझ ले। ये क्लियर हो गया? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपके लिए लाजमी करार दे दी गई है। तो इसका मतलब है अगर आपने प्री पेमेंट के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया है ना, तो प्री पेमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया है तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के ऊपर भी आपने अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। लीगल एंड प्रोफेशनल की हम वाचिंग 100% करते हैं, कभी लीगल एंड प्रोफेशनल की अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करी है मैंने और आपने? अब आपके लिए लाजमी है कि आपने अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करनी होगी, सही है? तो मेथोडोलॉजी में इंपैक्ट क्या आ जाएगा? मेथोडोलॉजी में इंपैक्ट क्या आ जाएगा? करंटली वी आर ओनली आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अकाउंट बैलेंस, वी नीड टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस। फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस वी नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्यारे बच्चों डन हो गया? अब ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट विच आर मटीरियल। सही है? ये पुराने आयजा की भी रिक्वायरमेंट थी। नए आयजा में बड़ी खतरनाक बात कह दी उसने। उसने कहा है फॉर अच्छा मटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कौन से होंगे जो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे? मतलब एक ऐसा अकाउंट बैलेंस जिसके ऊपर कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर नहीं है। और अगर उस अकाउंट बैलेंस पे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर नहीं तो उस पर क्या नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो उसके ऊपर ऑडिट रिस्क नहीं होगा। और जब ऑडिट रिस्क नहीं होगा तो क्या वो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन होगा? क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस होगा? जल्दी से बता दें, यस नो? नो सर। अगर वो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस नहीं है तो फिर आयजा एक नई पक लेके आ जाता है और आयजा आपसे कहता है ठीक है सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस नहीं है, लेकिन ये चेक कर लो कि क्या मटीरियल है, ये चेक कर लो। सही है? यस एग्जैक्टली अब्दुल खान। फॉर मटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर दैट हैव नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, द ऑडिटर शैल इवेल्युएट whether the auditor's determination remains appropriate। कितनी खतरनाक बात कह दी इसने। कहा अगर वो material है तो आप ये एक बार evaluate करें वापस से कि ये significant क्यों नहीं है। अगर एक चीज material है तो significant क्यों नहीं है, इसको भी आपने document करना है और इसको भी आपने वापस से evaluate करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन वो कहता है ठीक है आपने evaluate किया और जब आपने इवेल्युएट किया तो आपने कहा नहीं नहीं भाई मटेरियल ही है, मेरा तो कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं इसके ऊपर। तो आयजा कहता है इस खुशफहमी में ना रहना कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ईच मटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। ये बहुत खतरनाक बात कह दी। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ईच मटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। मटीरियल ना सिग्निफिकेंट में तो काम करना ही करना है। अगर ये आप मटीरियल भी तस्वुर करते हैं तो मटीरियल के ऊपर भी आपको ऑडिट प्रोसीजर, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर? कंट्रोल वाले यानी कौन सा ऑडिट प्रोसीजर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कौन से किस्म के होते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स होते हैं या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। तो एक चीज अगर मटीरियल है और उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? मैं सब पे आता हूं।
सोमन अबू बकर यार, आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पास्ट पेपर में ये कैसे टेस्ट होगा। आप एक बार समझ लेंगे तो फिर हम उसके बाद डिस्कस कर सकेंगे ना पास्ट पेपर में कैसे टेस्ट होगा। मैं ये सारी चीजें छोड़ दूं और आपसे मैं कहूं पास्ट पेपर में आपसे पूछेगा इनहेरेंट इंस्पेक्टर, आप कहेंगे सर इनहेरेंट इंस्पेक्टर पढ़ाए तो आप पढ़ा नहीं रहे। तो यार थोड़ा सबर तो करें ना प्यारे बच्चों, इस तरह ना करें आप लोग यार, मतलब फाइनल के बच्चे हैं आप लोग और इस तरह कितनी पथेटिक बातें कर रहे हैं। थोड़ा सबर करें, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना कि रैकेट क्या पूछेगा। बीच में आप मुझसे ये पूछ रहे रैकेट सवाल कैसे पूछेगा, पढ़ना तो नहीं पूरा पहला। डन हो गया बच्चों, आगे बढ़े। ये अभी भी एग्जीक्यूटिव समरी है मेरे बच्चों, ये एग्जीक्यूटिव समरी है। अभी मैं बैठ के पूरा फ्लो चार्ट आपके साथ बनाऊंगा, पूरा फ्लो चार्ट बनाते हुए आपके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा, एक ही डायग्राम में आपसे डिस्कस कर लूंगा। यार आप क्यों परेशान हो रहे हैं। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सही है। ओल्ड आइजा कहता था असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवैल्यूएट वेदर रिलेट मोर पर्वेसिवली टू द एफएस एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शन। न्यू आइजा सुनिएगा, न्यू आइजा क्या कहता है प्यारे बच्चों। न्यू आइजा आपसे कहता है फॉर द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल द ऑडिटर शैल असेस द इनहेरेंट रिस्क बाय असेसिंग द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिस स्टेटमेंट। In doing so, the auditor shall take into account how and the degree to which inherent risk factors affects the susceptibility of the relevant assertion to misstatement. Again, किसकी बात कर रहा है? Inherent risk factor affects the susceptibility of the relevant assertion to misstatement. इसका मतलब है, जब आप assess कर रहे होंगे inherent risk को, तो भी आपने किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है प्यारे बच्चे, तब भी आपने इन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर, मतलब जहां से बात स्टार्ट हुई थी, जिस वजह से आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, उन्हीं वजूहात की वजह से आप ये असेस करेंगे कि क्या ये मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क है कि हायर रिस्क है कि लोअर रिस्क है। सही है, कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं, बड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो कहता है द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द एफएस लेवल अफेक्ट्स द असेसमेंट ऑफ द इनहेरेंट रिस्क फॉर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। The auditor shall determine whether any of the assessed risk of material misstatement are significant risk. ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क, अगली चीज वो आपसे कहता है स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क, आपने एक स्पेक्ट्रम बना रहे हो, स्पेक्ट्रम के बेसिस पे आपने ये असेस करना है कि ये आपका हायर रिस्क है कि लोअर रिस्क है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है। इन असेसिंग द इनहेरेंट रिस्क The auditor uses professional judgment in determining the significance of the combination of the likelihood and magnitude of a misstatement. In considering the likelihood of a misstatement, the auditor considers the possibility that a misstatement may occur. Likelihood, कितने percent chances है कि misstatement हो जाएगी? Based on the consideration of the inherent risk factor, जहाँ से कहानी start हुई थी, उसी को आज consider करना assessment के लिए। In considering the magnitude of a misstatement. The auditor considered the qualitative and quantitative aspect of the possible misstatement, that is misstatement in assertion about class of transaction, account balance or disclosure may be judged to material due to size, nature or circumstances. The magnitude ke agar ye misstatement occurred ho gayi, ye jo misstatement hai, jo likelihood hai, agar ye ho gaya, to iski wajah se kya magnitude hai, kitne amount ki misstatement ho sakti hai, you need to assess the size, nature or circumstances. मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, थोड़ा सबर रखिएगा, सही है। द ऑडिटर यूजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट डिटरमाइनिंग वेदर ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क दैट इज इनहेरेंट रिस्क इज असेस्ड द हायर द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड द हायर द असेसमेंट ऑफ द इनहेरेंट रिस्क द लोअर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड द लोअर द असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क। सही, स्पेक्ट्रम में आपने देखना होगा अगर आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया और आपको लगता है इसके लाइक्लीहुड भी कम है और मैग्नीट्यूड भी कम है, इसका लाइक्लीहुड भी कम है, इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, तो इसकी असेसमेंट क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी असेसमेंट होगी लोअर रिस्क। लेकिन अगर आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया और आप कहते हो यार इसमें लाइक्लीहुड भी ज्यादा है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, और ये स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका लाइक्लीहुड का, ये y एक्सिस आपका हो गया किस चीज का, मैं m लिख रहा हूं, ये y एक्सिस हो गया आपका किस चीज का, मैग्नीट्यूड का। सही है, यहां पे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। सही है, मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया बच्चों, मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया और रिस्क की लाइक्लीहुड 5 पॉइंट पे,
और इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 पॉइंट पे, यहाँ पे स्पेक्ट्रम पे यहाँ पे खड़ा हुआ, सही है। और मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई किया, जिसकी लाइक्लीहुड 1 पे है और मैग्नीट्यूड भी 1 पे। प्यारे बच्चों इनमें से बताएं कौन सा रिस्क मेरा सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा हायर होगा, कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा। ये जो स्पेक्ट्रम पे मेरे पास आ रहा है जिसकी लाइक्लीहुड भी ज्यादा है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ हायर रिस्क। और ये वाला जो रिस्क होगा ये मेरा लोअर रिस्क होगा। थोड़ा आप सबर करेंगे, बहुत अच्छी एग्जांपल से आपके साथ इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा बच्चों, सही है, बहुत अच्छी एग्जांपल इनके साथ डिस्कस करूंगा सर। लेकिन इसमें से सिग्निफिकेंट इसका तो कोई वर्ड ही नहीं है, थोड़ा सबर करें, मैं आपका डिस्कस करूंगा। जी ताहिर साहब, क्या मसला हुआ? मैं कह रहा हूँ पार्टिसिपेंट जो है ना वो 300 लिमिट हो गई है, बाकी मैसेज आ रहे हैं कि हम कैसे जॉइन करें। बच्चों अबू बकर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आयजा में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो हमारी मेथोडोलॉजी में या हमारी प्रैक्टिस में क्या इंपैक्ट आ जाएगा? करंटली वी आर ओनली आइडेंटिफाइंग मटीरियल अकाउंट बैलेंस, वी नीड टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस। फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस, सॉरी हम कहां चले गए, यहां पर। तो हमें हमारी हमें मोर रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क करना होगा, सही है। अच्छा अगर 3-3 होगा सिकंदर, सारे मैटर डिस्कस करते ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा अगली चीज, असेसिंग कंट्रोल रिस्क, असेसिंग कंट्रोल, याद है ना ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या होता है प्यारे बच्चों? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, सही है। ऑडिट रिस्क क्या होता है? तो अब तक हम किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे थे और असेस कर रहे थे? इनहेरेंट रिस्क को। आयजा आपसे कहता है कि आपने कंट्रोल रिस्क को भी असेस करना है, कंट्रोल रिस्क को भी असेस करना है, आपने कंट्रोल रिस्क को भी असेस करना है, सही है। ओल्ड रिक्वायरमेंट में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओल्ड आयजा में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, न्यू आयजा में कब आपको, व्हेन यू नीड टू असेस द कंट्रोल रिस्क, व्हेन यू नीड टू असेस द कंट्रोल रिस्क, इफ द ऑडिटर प्लान्स टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, द ऑडिटर शैल असेस द कंट्रोल रिस्क। अगर आपने कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, अगर आपने कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, तो आपने कंट्रोल की असेसमेंट करना आपके लिए लाजमी है प्यारे बच्चों, आपके लिए कंट्रोल को असेस करना लाजमी है। इसका मतलब है, इसका मतलब है पीपी की इंपेयरमेंट, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, सही है। इनहेरेंट रिस्क मेरा क्या है? लेट से हायर, लेट से हायर। और मैं कहता हूं मैं पीपी की इंपेयरमेंट पे क्या टेस्ट करने जा रहा हूं, पीपी की इंपेयरमेंट पे क्या टेस्ट करने जा रहा हूं, कंट्रोल। तो मुझे अब कंट्रोल चूंकि टेस्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे कंट्रोल रिस्क की भी असेसमेंट करनी पड़ेगी, और ये असेसमेंट कुड बी लोअर, इट कुड बी हायर। क्या याद बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये वो एरिया है कि आपको कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट आपके लिए करना लाजमी हो गई है। क्लियर हम सारे यहां पे? बिजनेस रिस्क में कोई चेंज नहीं आया, सही है। बिजनेस रिस्क से आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर बिजनेस रिस्क होगा तो पीछे कोई ना कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर लाजमी होगा। अब मैं आपको एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दूं, और फ्लो चार्ट बनाते बनाते हम क्वेरीज आपकी ले लूं। अच्छा कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट के ऊपर, कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट के ऊपर
आयजा ने कहा है कि मैं आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप लोग अपनी ऑडिट फर्म में मेथोडोलॉजी बना लें कि किस तरीके से चीजें करनी है, आप लोग अपनी ऑडिट फर्म में मेथोडोलॉजी बना लें कि रिस्क की असेसमेंट कैसे करनी है। तो जितनी भी फर्म्स हैं वो कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट कर रही होती कैसे करती है, अगर आप कहेंगे मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अब्दुल मुईज का एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, बच्चों याद है क्लियर है, कुछ फायदा हुआ आपको? पंद्रह मिनट और पढ़ना है, तो मैं एक साथ साथ आपके लिए फ्लो चार्ट बना दूं और उसी के साथ साथ हम बैठ के कोई सवाल हो तो कर लें डिस्कस। बस जज़ाकअल्लाह बच्चों, जज़ाकअल्लाह। जैब सारी चीजें भी समझ लेते हैं बच्चा, सारी चीजें एक एक साथ समझ लेते हैं। अगले 15 मिनट मिल सकते हैं आपके, मुझे अगर आप अगले 15 मिनट दे देंगे तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा। डन हो गया, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले 15-20 मिनट प्यार बच्चों अच्छा दे दें, ठीक है सुनिएगा। ये याद आया था 315 ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी थी? बस एक नई चीज लिख रहा हूं जो पहले अलग पहले कवर्ड थी, इसकी एक सेपरेट हेडिंग कर दी है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। डन हो गया, पहले तो जबरदस्त सही है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स क्या है? मेरे पास सुनिएगा प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास कुछ इवेंट्स और कंडीशन होंगे, मेरे पास कुछ इवेंट्स और कंडीशन होंगे जिसकी वजह से क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, जल्दी से बता दें जिसकी वजह से क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा। और जब इनहेरेंट रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इससे क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, जल्दी से बता दें। और जब ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसका मतलब है इसके बेसिस पे मुझे अगला काम क्या करना पड़ेगा। खत्म हो गया, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें सर, इसका मतलब है जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर रहा हूं, जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर रहा हूं तो मैं ऐसे इवेंट्स और कंडीशन ढूंढूंगा जिसकी वजह से कोई ना कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर आ जाए। अच्छा मुझे बताएं, इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, तीनों में कुछ चीजें कॉमन थी, क्या कॉमन थी जल्दी से बताने बच्चों, इन तीनों में कुछ कॉमन था, जल्दी छेदी छेदी ये आपने बताना है। वो जो पांच फैक्टर्स थे याद है,
कॉम्प्लेक्सिटी यही थे प्यारे बच्चों। नंदो के प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेगा, जब भी आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे आपने अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आपकी एक आंख इस तरफ होनी चाहिए और दूसरी आंख किस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, IFRS। सुनिएगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, IFRS। क्या IFRS 9 एप्लीकेबल हो गया इस साल? हाँ जी, IFRS 9 एप्लीकेबल हो गया है। क्या IFRS 9 में कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है? कॉम्प्लेक्सिटी सब्जेक्टिव फर्क क्या, मैं आपको वो भी बताऊंगा। क्या IFRS 9 में कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है? अच्छा, अगर IFRS 9 एप्लीकेबल हुआ तो ये किसको हिट करेगा? ये एडवांसेस को हिट करेगा, ये बैंक्स वगैरह में एडवांसेस को हिट करेगा, या ये अकाउंट रिसीवेबल को हिट करेगा। तो यस, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। तो चूंकि मुझे एडवांसेस और अकाउंट रिसीवेबल में कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर मिल गया, इस बेसिस पे मैं एडवांसेस के ऊपर या अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एक रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मुझे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मिल गया तो मैं एडवांसेस के ऊपर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा और उसके ऊपर रिस्क असेस करूंगा। और मुझे जल्दी से बता दें, एडवांसेस मेरा मटेरियल अकाउंट बैलेंस होगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस होगा? ये मेरा सिग्निफिकेंट, बस जबरदस्त प्यारे बच्चों, सही, जबरदस्त। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं ये कहता हूं मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये आपसे कहता हूं कि जब मैंने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो एनवायरमेंट में मैंने इंडस्ट्री की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, रेगुलेशन की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। अगर आपको याद हो, जब मैंने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली प्यारे बच्चों, जब मैंने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो मैंने कहा एक रेगुलेशन में चेंज आया है। जल्दी एक रेगुलेशन में क्या आ गया है प्यारे बच्चों? चेंज आ गया है। अगर रेगुलेशन में चेंज आ गया, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो मैं और आप हमेशा से करंट टैक्स का रिस्क आइडेंटिफाई करते थे, बट इस बार करंट टैक्स का रिस्क आइडेंटिफाई करने का रीजन क्या है? Because of the inherent risk factor. क्या याद है, बात समझ आती है? तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा inherent risk factor change हुआ है प्यारे बच्चों, या मेरा income tax ordinance change हुआ है जिसकी वजह से requirement change, there is a risk कि management ने current tax को सही calculate नहीं किया होगा प्यारे बच्चों, मैं इस वजह से risk identify कर। और अगर मुझे income tax पे कोई भी risk identify नहीं होता तो मैं फिर असेस करूंगा कि क्या कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, मैं वापस से अपनी असेसमेंट को रीअसेस करूंगा। कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी में फर्क समझने की कोशिश करिएगा। IFRS 9 किसी ने काम किया है? जिन्होंने काम किया है वो मुझसे 100% इतफाक करेंगे कि IFRS 9 में सबसे बड़ा इश्यू किस चीज का है, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है ना, LGD और PD और इन सब को आप कर दे, सबसे बड़ा मसला डेटा का, कि मैं डेटा किस तरीके से इकट्ठा करूं, उस डेटा पे मैं किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग को असाइन करूं, उस क्रेडिट रेटिंग के असाइन करने के बेसिस पे मैं किस तरीके से लॉस गिवन डिफॉल्ट निकालू, फिर किस तरीके से प्रोबेबल डिफॉल्ट निकालू, सबसे बड़ा मसला किस चीज का है, सबसे बड़ा। तो इट मींस सब्जेक्टिविटी बाद में है। इसके IFRS 9 में क्या मेरा रिस्क होगा? क्या IFRS 9 में रिस्क है? क्यों? बिकॉज द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स।
डेटा क्यूमुलेशन, डेटा को इकट्ठा करना, उसको इनपुट करना, उसको प्रोसेस करना, उसका जो प्रोसेस है वो मुश्किल है. तो इसका मतलब उसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है. देयरफॉर देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आप फिर इसका आइडेंटिफाई करेंगे. एक कंपनी है, उसके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का डेटा इकट्ठा करने में, उसको प्रोसेस करने में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो एजेंट निकाल लेगी. मसला किस चीज का है? मसला ये है कि मैं किस एजम्पशन से उसको मल्टीप्लाई करूं. अगर एक चीज 90 दिन से 120 दिन है तो मैं क्या 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 करूं? 25% प्रोवाइड करूं, 20% प्रोवाइड करूं, 15% प्रोवाइड करूं? क्या याद है, बात समझ आती है? अकाउंट रिसीवेबल अगर है, अगर अकाउंट रिसीवेबल एक नॉर्मल कंपनी का, बैंकों का बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल है, तो अकाउंट रिसीवेबल का डेटा इकट्ठा करना क्या कॉम्प्लेक्स है? क्या उसको यह चेक करना कि कितना ओवरड्यू हो चुका है, 90 to 30 days, 30 to 90 days, 45-60 days? इट मींस द प्रोसेस, द डेटा एक्युमुलेशन इज नॉट कॉम्प्लेक्स. द इश्यू इज कि जी उसमें जो सब्जेक्टिविटी लगानी है कि अगर उसने 120 दिन तक पे नहीं करा तो 25% करूं या 20% करूं, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्टिविटी. प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अगर मैं एंटिटी की बात करूं और मैं ये कहता हूं कि इसका इसका बिजनेस ये है, इसका नेचर ये है कि ये कंस्ट्रक्शन करता है और कंस्ट्रक्शन करके ये डिफरेंट टर्म्स पे सेल करता है, डिफरेंट टर्म्स पे सेल करता है. प्यारे बच्चों, तो बताइए मसला किस चीज का? यहां सब्जेक्टिविटी का मसला नहीं है, यहां मसला ये है कि चूंकि इतने सारे लाखों की तादाद में कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक को असेस करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ओवर द टाइम है, ये प्रोसेस क्या है, ये डेटा इकट्ठा करना, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है. या तो 100 रुपए को यार एक साल बाद रिकॉग्नाइज कर लो, या 100 रुपए को ओवर द ईयर कर लो. सब्जेक्टिविटी का मसला नहीं है, मसला किस चीज का है? मसला कॉम्प्लेक्सिटी का है. प्यारे बच्चों, के यहां तक बात समझ आती है? तो कॉम्प्लेक्सिटी का वर्ड समझ आया मेरे बच्चों को? सब्जेक्टिविटी का वर्ड समझ आया मेरे बच्चों को? चेंज का वर्ड समझ आया? इट कुड बी एनी चेंज, इट कुड बी द चेंज इन द, इट कुड बी द चेंज इन द इकोनॉमिक फैक्टर, इट कुड बी द चेंज इन द इकोनॉमिक फैक्टर. यही बैंक है, यही कंपनी है, 4 साल पहले IFRS 9 एप्लीकेबल हो गया, लेकिन मुझे पता है मैं इस बार IFRS 9 का या एडवांसेस का या रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करूंगा? और इसके अलावा देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स. एक बंदे का जो जिसका बिजनेस ही ऑनलाइन है, उसने आपसे लोन लिया हुआ है, उसका नेट ही नहीं चल रहा, वो बिजनेस कर ही नहीं पा रहा, जब वो बिजनेस नहीं कर पा रहा तो वो बैंक को रीपे कैसे कर पाएगा यार? हम सबको बताना, सारे फूड पांडा वाले बेचारे फारिग घूम रहे, क्यों फारिग घूम रहे? नेट ही नहीं चला, जब नेट ही चला तो ऑर्डर कैसे करूं? आप एक शॉपिंग करने जाएं, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सेल हो रही होती है, आप एक शर्ट खरीदें, एक टी शर्ट खरीदें और उसको आप पकड़ाएं और वो आपको बोलेगा मेरा सिस्टम डाउन है, पीछे सर्वर और नेट ही नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे पड़े हुए, उसके पास शर्ट पड़ी हुई है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, वो सेल नहीं कर पा रहा. तो व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमिक फैक्टर, तो चेंज इकोनॉमिक कंडीशन में भी हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में भी हो सकती है, पॉलिटिकल कंडीशन में भी हो सकती है. एक कंपनी जो कि इंपोर्ट का बिजनेस बड़ा जबरदस्त कर रही थी पाकिस्तान में, लग्जरी कार्स इंपोर्ट करती थी, लग्जरी एक्सेसरीज इंपोर्ट करती थी, क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है? क्या यहां तक बात आपके समझ आ रही है? और मैनेजमेंट बायस ने तो फ्रॉड हो गया, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के किया होगा, क्लियर है? तो इसका मतलब है अगर आपके पास बैलेंस शीट पीएनएल में इनमें से कोई भी फैक्टर मौजूद होगा, प्यारे बच्चों, अगर आपके पास बैलेंस शीट या पीएनएल में कोई भी फैक्टर मौजूद होगा, इनमें से कोई भी फैक्टर मौजूद होगा, तो इसका मतलब है इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मौजूद है. अगर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर मौजूद है तो इसका मतलब है आपने उसके ऊपर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई बिल्कुल जानबूझ के मैनेजमेंट ने एस्टिमेट को चेंज किया होगा, जानबूझ के प्रोविजन को कम रिकॉर्ड किया होगा, जानबूझ के रेवेन्यू को ज्यादा रिकॉर्ड किया होगा. यहां तक बात समझ आती है? और अगर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो ये जो एडवांसेस था ये क्या कहलाएगा, जल्दी से बता दें. ये जो एडवांसेस था ये क्या कहलाएगा, जल्दी से बता दें.
मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त सिग्निफिकेंट डेट्स नहीं, इंसान के बच्चे बनो, सिग्निफिकेंट डेट्स नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है। रिस्क सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो असेसमेंट में डिस्कस करेंगे। ये ना बोले एवरी सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस डज नॉट नेसेसरी टू हैव अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो यहां पर बात समझ आती है, एवरी सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस डज नॉट नेसेसरी टू हैव अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अच्छा, अगला काम क्या करना है? अगला काम क्या करना है? ऑडिट रिस्क को असेस करना है, ऑडिट रिस्क को असेस करना है। अब जब ऑडिट रिस्क को असेस करना है तो ऊपर ये जो फैक्टर्स थे, ऊपर ये IFRS 9 के एग्जांपल सामने रखिएगा, IFRS 9 के। तो ऑडिट रिस्क को जब असेस करना है तो दो चीजें देखनी है। क्या दो चीजें देखनी है जल्दी से बता दे? Likely, और इसका वर्ड एक यूज हो रहा था, वर्ड क्या यूज हो रहा था प्यारे बच्चों? वर्ड कौन सा यूज हो रहा था? स्पेक्ट्रम। वर्ड कौन सा यूज हो रहा था? स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब है x एक्सिस पे आप क्या बना दें? y एक्सिस पे आप क्या बना दें? मैग्नीट्यूड, सही है। और जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करें, उसको प्लॉट करना स्टार्ट करें। एक रिस्क यहां पे, सही है। उसको प्लॉट करना स्टार्ट करें और प्लॉट करके जजमेंट अप्लाई करें कि इनमें से कौन सा ऐसा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कौन सा रिस्क होगा प्यारे बच्चों? ये मेरे पास कहलाएगा कौन सा रिस्क? लोअर रिस्क। ये मेरे पास क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, ये भी मेरे पास कौन सा रिस्क कहलाएगा हायर रिस्क। सही है। लेट से ये भी मेरे पास कौन सा रिस्क कहला रहा? हायर रिस्क। तो मेरे पास कितने? नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं बोलना है सोहेल साहब, सिग्निफिकेंट नहीं बोलना है। ऐसा की लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। तो मेरे पास 10 रिस्क में से कितने रिस्क लोअर है और कितने रिस्क हायर है? टोटल 11 रिस्क है। टोटल यहां पे आपको 11 डॉट्स दिख रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट रिस्क है, सॉरी कितने हायर रिस्क है, सॉरी 11 लोअर रिस्क कैन बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क? टेंशन खत्म है। लोअर रिस्क कैन बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या हायर रिस्क कुड बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क? बस आइजा आपसे कहता है, जो चार हायर रिस्क आपने आइडेंटिफाई करे, इसमें से जो बहुत ही स्पेक्ट्रम के टॉप पे जा रहे हैं ना, जो बिल्कुल स्पेक्ट्रम के टॉप पे जा रहे हैं, सही है, ये भी हायर रिस्क है। लेकिन मुझे पता है स्पेक्ट्रम के टॉप पे कौन जा रहे हैं? इसमें लैक्रो बैक्रो से बहुत ज्यादा है, ये वाला। ये वाला जो स्पेक्ट्रम के टॉप पे जा रहा है, सही है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये तीन रिस्क ऐसे हैं जो कि स्पेक्ट्रम के टॉप पे जा रहे हैं, तो ये मेरे सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएंगे। ये मेरे कौन से रिस्क कहलाएंगे? ये मेरे सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क शैल ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम द हायर रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क शैल ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम द हायर रिस्क। क्या यहां तक बात समझ आती है? बट ऑल द हायर रिस्क आर नॉट नेसेसरी टू बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क। ये बात समझ आती है? बिकॉज अब यहां पे रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब है यहां पे एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, और जब एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है तो आपने ज्यादा तवज्जा देनी पड़ेगी स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। हसन मर्चेंट, जबरदस्त। ओल्ड क्राइटेरिया फॉर सिग्निफिकेंट ऑब्सोलीट।
ओल्ड क्राइटेरिया सिग्निफिकेंट है, याद है ना? ओल्ड क्राइटेरिया सिग्निफिकेंट का रिस्क क्या था? अगर उसमें एस्टिमेट्स होंगे, याद है? अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा, याद है? अगर उसमें फ्रॉड होगा, याद है? अगर वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, याद है? अगर वो रिलेटेड पार्टी होगा, याद है? तो गौर से तो आप देखें, गौर से तो आप देखें, यहां पे ये वही तो चीजें हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा तो गौर से देखें। तो ये क्या मजाक था कि इन एनेंट फैक्टर किसी और बेसिस पर आइडेंटिफाई कर रहा हूं और सिग्निफिकेंट किसी और बेसिस पर। तो आयजा ने यहां पे कंसिस्टेंसी इंश्योर कर दी है कि जिस वजह से रिस्क आइडेंटिफाई करा है उसी वजह को देखो कि उसकी लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड क्या है, और अगर उसकी लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसी वजह से उसके रिस्क को असेस करो। सर कहता लो इनहेरेंट रिस्क नहीं, सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हो सकता क्या? यहां तक बात समझ आती है बच्चों? बेहतरीन हो गया। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अकाउंट बैलेंस में एक एरिया आ रहा है प्री पेमेंट, और प्री और जब आप ये सुनिएगा जो मैं अल्फाज कह रहा हूं, जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे तो अंडरस्टैंडिंग में ढूंढ क्या रहे होंगे? कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, मैनेजमेंट बाइस। अगर आपको प्री पेमेंट में कोई भी चीज नहीं दिखी, अगर आपको प्री पेमेंट में ये पांच फैक्टर्स नहीं दिखे प्यारे बच्चों, तो प्री पेमेंट क्या आपका सिग्निफिकेंट, क्या प्री पेमेंट पे कोई इवेंट्स और कंडीशन है? क्या कोई इनहेरेंट रिस्क फैक्टर है? तो क्या कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई होगा? तो क्या वो सिग्निफिकेंट तस्वर किया जाएगा? बेहतरीन हो गया। जब वो सिग्निफिकेंट तस्वर नहीं किया जाएगा तो फिर वो क्या तस्वर किया जाएगा? जब मटेरियल होगा तो ऐसा कहते हैं देख लो एक बार वापस से, कहीं सिग्निफिकेंट तो नहीं है? मैं कहता हूं बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ऐसा कहता है ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो अगर ये मटेरियल है तो इसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना तो लाजमी है। और मेरे जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस होंगे उस पर मुझे अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसको आप वॉक थ्रू कह लें, जिसको आप वॉक थ्रू कह लें, जिसको आप अंडरस्टैंडिंग कह लें, जिसको आप बिजनेस प्रोसेस कह लें, डिफरेंट फॉर्म में ये डिफरेंट वर्ड यूज हो रहे हैं, आप जो नाम दे दें, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट करना, ऑब्टेन करना लाजमी है। वॉक थ्रू सिग्निफिकेंट के लिए करेंगे किरण, वॉक थ्रू सिग्निफिकेंट के लिए करेंगे। बच्चों यहां तक क्लियर है? उसामा स्पेक्ट्रम आपका प्रोफेशनल जजमेंट है, ड्राफ्टिंग में कोई इंपैक्ट नहीं है यार बच्चों, ड्राफ्टिंग में कोई इंपैक्ट नहीं है। ये देखें यार, ये सुन ले मेरे बच्चों मेरे बात, क्यों परेशान होता है, ये सुन ले मेरे बात।
क्लियर हो? ये क्या है? नेचर ऑफ एंटिटी, कि वो बैंक है तो लोन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और इट इज कहां आइडेंटिफाई किया आपने? और इट इज कहां आइडेंटिफाई हुआ है? इंटरेस्ट इनकम में आइडेंटिफाई हुआ है। और इट इज कहां आइडेंटिफाई हुआ है? और इट इज आइडेंटिफाई हुआ है आपका एडवांसेस में। एडवांसेस क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट। क्या करना जरूरी है आपके लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना जरूरी है। जब ये सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस कहलाएगा तो आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा है, ये जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा है, ये अपने आपसे सवाल पूछेंगे, ये सुनिएगा मेरी बात। क्या इस रिस्क की लाइक्लीहुड ज्यादा है? भाई साहब, क्या इस रिस्क का लाइक्लीहुड ज्यादा है कि यार एडवांसेस इंपेयर्ड हुए होंगे, एडवांसेस इंपेयर्ड हुए होंगे, मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी? क्या इसके लाइक्लीहुड ज्यादा है कि यार कस्टमर ने पैसा नहीं दिया होगा? पाकिस्तान की आज की तारीख आप सामने रखे हैं, क्या इसके लाइक्लीहुड ज्यादा है? यस, लाइक्लीहुड ज्यादा है। सही है, लाइक्लीहुड ज्यादा है। अच्छा, अगर ये ऐसा हो गया कि वाकई में कस्टमर ने पैसा नहीं दिया और अगर मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दी, और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसका 1.4 ट्रिलियन का एडवांसेस का नंबर है, और अगर इस 1.4 ट्रिलियन के एडवांसेस में अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई तो क्या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि कम होगा? यहां खड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, हायर रिस्क है। जब हायर है तो आप असेस कर रहे हैं क्या बहुत बहुत ऊपर चला गया ये? यस, सिग्निफिकेंट है। ये दोनों चीजें प्रोफेशनल जजमेंट है मेरा बच्चा, ये दोनों चीजें प्रोफेशनल जजमेंट है। मैं आपसे एक और बात कहता हूं, सुनिएगा, मैं आपसे एक और बात कहता हूं, शेयर बेस्ड पेमेंट, एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट, मुझे बताएं मैग्नीट्यूड, लाइक्लीहुड बताएं, सॉरी लाइक्लीहुड बताएं। सर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, शेयर की प्राइस में डिटरमाइन करना कितना एम्प्लॉय टिकेगा कितना एम्प्लॉय नहीं टिकेगा, बहुत हाई है सर, बहुत हाई है, बहुत हाई है। लेकिन सर मसला यह है कि यार ये तो शेयर बेस्ड पेमेंट दी ही सिर्फ 4 इंप्लॉयज को है, ये तो शेयर बेस्ड पेमेंट दी ही सिर्फ 4 इंप्लॉयज को है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है। प्यारे बच्चों, क्या अब भी सिग्निफिकेंट रिस्क? क्या अब भी हायर रिस्क? नो सर, अब ये कौन सा रिस्क कहलाएगा? तो सर इसमें तो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जजमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो शेयर बेस्ड पेमेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क? नो सर, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड देखना है आपने, कि अगर शेयर बेस्ड पेमेंट की, अगर शेयर्स की फेयर वैल्यू गलत भी डिटरमाइन कर ली गई, अगर फेयर वैल्यू गलत भी डिटरमाइन कर ली गई, तो इससे मेरा जो इंपैक्ट है, लाइक्लीहुड तो बहुत है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इस कदर कम है। क्यों? आप मुझे एक बात बताएं ना, क्यों आप नॉर्मली एक कंपनी के अकाउंट रिसीवर का जब ऑडिट करते हैं और उसमें कंपनी में जब IFRS 9 एप्लीकेबल है, तो हम, मैं और आप, क्यों उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर रहे नॉर्मली? क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि यार इनके मैं एक अंडरस्टैंडिंग ले चुका हूं, कस्टमर पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, कोई ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर चेंज नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल फैक्टर चेंज नहीं हुआ, लाइक्लीहुड अगर है भी, लेट से लाइक्लीहुड अगर है भी, तो मैग्नीट्यूड इसका इतना कम है, मैग्नीट्यूड इतना कम है कि इनकी तो, इनके ऊपर तो रिस्क है ही नहीं। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्यों आपकी, किसी ने टेक्सटाइल का ऑडिट किया, क्यों एक्सपोर्ट रिसीवेबल के ऊपर 2% का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते? क्यों एक्सपोर्ट रिसीवेबल? क्यों? ये तुम्हारा एलसी और गारंटी के थ्रू, तुम्हारा पूरा का पूरा सिक्योर्ड होता है, तुम्हारा एलसी और गारंटी के थ्रू सिक्योर्ड होता है, बैक्ड बाय एलसी होता है, कल को वो कस्टमर चला भी जाएगा, सामने वाला बैंक आरबीआई से वो आपको पैसे देगा और वो आपके बैंक में पैसे जमा कराएगा, किस चीज का डर है तुम्हें? तो जब मुझे पता है कि अगर कस्टमर पैसा नहीं भी देगा तो लाइक्लीहुड है कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, कस्टमर रशिया में,
लाइकलीहुड है कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, लेकिन 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 इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है, या मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है लाइकलीहुड बहुत कम है। तो ऐसे तो आप पूरी रात मुझसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। तो जितने भी पास्ट पेपर्स के सवाल हैं उसकी ड्राफ्टिंग में आपका कोई इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज मैं तो ड्राफ्टिंग ही आपको रिस्क फैक्टर से करवाई थी यार, मैं तो सवाल में रिस्क फैक्टर ही ढूंढवा था आपको, मैं तो कहता था कि सवाल में रिस्क फैक्टर ढूंढना है आपने, उस रिस्क फैक्टर को आपने लिंक करना है और उसके बेसिस आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो क्यों परेशान हो रहे हो, तो पास्ट पेपर्स के जितने भी सवाल हैं कोई भी आउटडेटेड नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये जो की कॉन्सेप्ट है ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। आदिल, इसको अगले सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, अभी चेंजेस आपके समझ आ गए। बहुत रेयर है कि आईकैप यहां पे जाए, बिकॉज आईकैप ने खुद अभी तक इसके ऊपर सेशन नहीं करवाया, इतना जजमेंटल मैटर। क्लियर है बच्चों, कुछ फायदा हुआ? आईकैप देखें, सुनिएगा, आईकैप क्या कर सकता है, आईकैप आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन आपको कहेगा कि यार इसको इनहेरेंट रिस्क फैक्टर के जो पांच एलिमेंट्स है उसमें बायफर्केट करके दिखाएं, और फिर उसके बेसिस पे मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके दिखाएं, और जिन अकाउंट बैलेंस पे रिस्क आइडेंटिफाई और उसके बेसिस से मुझे रिस्क को असेस करके बताएं, यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल। और जिन अकाउंट बैलेंस पे अगर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जिन अकाउंट बैलेंस पे आपको ऑडिट रिस्क आपने आइडेंटिफाई नहीं करा, तो क्यों आइडेंटिफाई नहीं करा और उसका ओवरऑल आपकी ऑडिट के ऑडिट स्कोप में क्या इंपैक्ट होगा, चाहे तो ये पूछ सकते हैं, चांसेस बहुत रेयर है, बिकॉज ये बड़ा प्रैक्टिकल मैटर है। यार वर्कशॉप इंशाल्लाह सैटरडे को होगी ना, हम डिसाइड कर लेंगे फिजिकल करनी ऑनलाइन करनी, लेकिन सैटरडे को होगी। डन हो गया बच्चों, फोर्टी फोर हंड्रेड पे भी कर लेंगे, बाकी से भी कर लेंगे, बेफिक्र रहो, प्रैक्टिस ये सुन ले मेरी बात को, वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह हमारा सैटरडे को जो वर्कशॉप है, सैटरडे को जो वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप के फौरन बाद फ्राइडे को मेरा सीफ टू का वर्कशॉप है, सैटरडे को मेरा एडवांस ऑडिट का है, संडे को एमएसए वन का है, संडे को एमएसए वन का है, मंडे से इंशाल्लाह हम, मंडे से इंशाल्लाह हम क्या काम करेंगे, मंडे से इंशाल्लाह हम रोज एक 30 से 45 मिनट ब्लॉक कर लेंगे, एक टाइम रोज, अनाउंसमेंट कुछ नहीं होगी, रोज 30 से 45 मिनट इस टाइम मिलेंगे, इस टाइम पे आपकी कोई क्वेरीज होंगी वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्विक रिविजन कर लेंगे और मजीद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या डन हो गया यहाँ पे? बच्चा फायदा हुआ कुछ आपका, डर खत्म हुआ? बिल्कुल भी परेशान ना हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये पोर्टल में भी अपलोड करवा दूंगा, यूट्यूब में भी अपलोड करा दूंगा, तो आप बस परेशान ना हो यार, अगर कोई चीज है मसला करिए, होल्ड पे रखे आगे बढ़े, होल्ड पे रख के आगे बढ़े, ये मेरा वादा है, मैं रिजॉल्व करा दूंगा इंशाल्लाह। पेपर पास है यार, पेपर पास है इस बार, बिल्कुल बेफिक्र रहे। और अभी हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो इसी 315 के ऊपर हम मजीद कर लेंगे, स्लाइड्स भी मिल जाएंगी मेरे भाई। यस बिल्कुल उसामा, बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क फैक्टर इज नॉट द इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, तो मसला क्या है? तो ये काम पहले भी करता था, ये काम अभी कर रहा हूं। आइजा 315 की वजह से, आइजा 315 की वजह से आइजा 200 में चेंजेस आई हैं, आइजा 402 में चेंजेस आई हैं, अदर आइजा में चेंजेस आई हैं, इनमें से जो मटेरियल चेंज होगा और क्यों चेंज आया है वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। डन हो गया जी, परेशान ना हो, परेशान ना हो। लेकिन उस चेंज की वजह से आपको लगता है आइजा 402 के जो सवाल है वो अपडेटेड हो गए, वो अपडेटेड नहीं हुई, बस एक 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 प्रोसीजर है, बस एक प्रोसीजर ऐड हो जाएगा अगर तो उसने पूछा तो भी, अदरवाइज वो भी नहीं होगा।
ऑडिट इज कहां डिफाइंड है, ऑडिट इज आईएसआर 200 में डिफाइंड है। तो बस आईएसआर 200 में जो उसने की चेंज डाला है वो लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड का वर्ड डाल दिया है, और कोई चेंज ही नहीं करा उसने। तो इस चीज की टेंशन ना ले बच्चों, आप इस चीज की टेंशन ना ले, बस मेरी सेहत के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह पेपर तक साथ रहेंगे, परेशान ना हो। डन हो गया, ओपन फॉर ऑल होगा प्यारे बच्चों, सबके लिए होगा, ये सेशन भी सबके लिए है ना यार, बाकी वो वाला सेशन भी सबके लिए होगा, तो परेशान ना हो। ये फ्री चार्ज सेकेंडरी चीज है, समझ आया आप लोगों को? चले बस, चले अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, मेरी C52 की क्लास है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।